अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो इसने बस मेरी आवाज़ सुननी होती है और मेरे पास आ जाती है। माशा साहब, ये भी कुड़ुक होना शुरू हो चुकी है, आवाज़ सुन सकते हैं आप इसकी। तो इंशाल्लाह इसको भी हम कुछ दिन में बिठा देंगे अंडों पे। अभी मतलब सही वाली कुड़ुक नहीं है, थोड़ी थोड़ी हुई है। तो आज पैरेट्स का पानी चेंज करते हैं, काफ़ी गंदा हो चुका है। और आज इधर क्या हलचल मची है, बास्केट भी इधर साइड पर गिरी हुई है, पता नहीं क्या हुआ इस साइड पर आज। तो पिजन्स को खोलते हैं, मुर्गियों को पहले बंद करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये पिजन मर चुका है। काफ़ी इसकी मैंने मतलब के बचाने की कोशिश की है, पर जिसकी मौत लिखी हो तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसको मेडिसिन वगैरह भी दी थी, पर एकदम से इसको कुछ हुआ समझ नहीं आया कि कैसे मतलब ये मर गया। उड़ता था, काफ़ी अच्छा हमारा बेबी पिजन था, पर अब क्या कर सकते हैं, इसको उठा के फेंकते हैं। तो पिजन्स को खोल दिया मैंने, आ जाओ सारे जल्दी जल्दी। वो जंगली पिजन भी ऊपर बैठा है जिसके पर कटे हुए, रोज़ आता है खाना खा के चला जाता है। तो मैं कहते हैं एक दफ़ा इसको पकड़ के इसके जो पर कटे हुए हैं वो हम निकाल देते हैं ताकि इसके पर फुल हो जाएं, ताकि आराम से उड़ सके, क्योंकि हमने तो जंगली को पकड़ना नहीं होता, पर किसी ने इसको पकड़ के इसके पर काट नहीं बेचारे के। तो पिजन्स को मैंने खोल दिया इस साइड पर, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा वो पिजन मर गया है। तो क्या कर रही हो, अंडा भी इसने दिया हुआ है, तो अंडा भी निकालते हैं अभी। वो देखें वो पड़ा हुआ है बास्केट में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम ये वाली मुर्गी जो है इसको निकालते हैं बाहर, क्योंकि ये देखें यहाँ से जाली भी उखड़ गई है, यहाँ से ये देख सकते हैं। तो बिल्ली का कोई पता नहीं होता, क्योंकि उनकी विंडो जो टूटी हुई है ये वाली, तो बिल्ली रोज़ यहाँ पर आती है, अभी भी शायद कहीं बैठी हुई होगी। तो ख़तरा है कि बिल्ली यहाँ से ऐसे ज़ोर लगा के कहीं जाली वगैरह उखेड़ के ईंटें गिरा के बच्चों पे अटैक कर सकती है। तो हम इसको आज इंशाल्लाह इस वाले केज में शिफ्ट करेंगे। और पिजन को मैंने निकाला हुआ है यहाँ से, तो केज की सारी सफाई कर देते हैं। और पहले सारों के पॉट्स धो के पानी डालते हैं, फिर दाना डालते हैं, फिर मुर्गी को बाहर शिफ्ट करते हैं। नई वाली फीमेल जाके वो बैठ गई, इसको पर्पल कलर लगे हुए थे जो हमने पकड़ी थी, इसका पेयर भी लगा हुआ है। तो इसके पास ज़्यादा ही जल्दी आ गए, तो इसके वापस आ जाते, मैं ज़रा काटता हूँ इसको। और पानी मैंने सबको डाल दिया, सारे पिजन सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखें पॉट धो के ताज़ा पानी सारे बर्ड्स को डल चुका है। और मिट्ठू की आवाज़ अंदर से आपको आ रही होगी, क्योंकि आज मिट्ठू भी ऊपर आया हुआ है, तो इसका केज भी साफ़ करना है। तो इसको रखते हैं उधर कॉर्नर पर, और फिर लेके आते हैं बाकी सारे बर्ड्स का खाना, उनको डालते हैं जल्दी से। वो जंगली कबूतर जाके वो बैठ गया, अब वहाँ से वो अपने घर चला जाएगा वापस। काफ़ी मुश्किल होती है बेचारे को उड़ने में, पर पता नहीं किसने इसके पर काट दिए। तो खाना लेके आते हैं जल्दी से सबके लिए। कॉलोनी में मैंने डाइट डाल दिया, सारे माशाल्लाह से नीचे उतर आए, बच्चे भी और बड़े भी। और जो उस मटकी में चार बच्चे थे, दो निकल आए, दो अब रह गए उसके अंदर, और बाकी सब ने अंडे स्टार्ट किए हुए हैं। इधर पिजन्स भी दाना वगैरह खाना शुरू हो चुके सारे, वो भी वहाँ पर जो बैठी थी उड़ के आ चुकी है वापस। तो अब आ रही है इनकी, इस जंगली के आप काम चेक करें, बॉक्स भी इसने उठा दिए, खाने वाला सारा कुछ गिरा दिया। पता नहीं है इसको कब तमीज़ आएगी, कोई समझ नहीं आती मुझे। इनको देखें ये जाली के पास आए हुए हैं, यही तो इनका डर है, मुझे लगता है कि बिजली इनको उठा लेगी। तो कल तक इनको इंशाल्लाह हम शिफ्ट करेंगे। मुर्गी को मैंने डाइट डाल दी और अंडा इसका मैंने उठा लिया। इसके अंडे का साइज़ छोटा होता है माशाल्लाह से, इस वाली का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो अंडे रख के आते हैं पहले, उसके बाद फिर पैरेट्स को दाना डालते हैं। ना मैंने चेयर पे रख दिया, नीचे जाते हुए ले जाएंगे साथ, क्योंकि अभी ऊपर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। नीचे फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद फिर जब बिठाएंगे मुर्गी को तो फिर हम ऊपर ले आएंगे, तब पैरेट्स को खाना डालते हैं। तो सारे बर्ड्स को मैंने डाइट वगैरह डाल दिया है, पिजन अभी इधर आ रहे हैं, क्योंकि मुर्गियाँ जो खाना गिराती हैं और वहाँ से ये पिजन खा लेते हैं उठा के। तो हवा भी काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो चुकी है, बस दुआ कीजिएगा कि हमारे पिजन उड़े ना और आराम से खा पी के अंदर चले जाएँ। अब सारे इधर आ जाएंगे देख देख के। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।